A very good morning to all of you. Welcome to MPPSC Adda. As you all know that we have already started with a special series related to 2024 prelims. जो specifically 2024 prelims को target कर रहे हैं हम आपके लिए already important battles हम लेकर आए हैं आपके लिए जिसका part 1 is already uploaded in the video. Let's start with the next part that is part 2. So let's revise a bit हमने कौन कौन सी battles किया था. First was Battle of Ten Kings, the Dashrajan War. Next was Kalinga War. Next was Battle of Taran and first and second Battle of Taran. Next we studied about Battle of Chandavar. Then first Battle of Panipat, Khanwa, Chanderi and Ghagar, which is mainly related to Babur. We have already completed this in entire detail in the previous video. चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आर नेक्स्ट बैटल दैट इज बैटल ऑफ चौसा. एज वी ऑल नो फर्स्ट ऑफ ऑल चौसा किस जगह पे लोकेटेड है. इट इज़ प्रेजेंट इन बक्सर रीजन दैट इज राइट नाउ प्रेजेंट इन बिहार. एंड यू मस्ट बी फेमिलियर आप सब ने कभी ना कभी चौसा मैंगो या चौसा आम ज़रूर खाया होगा विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पिक्यूलियर टेस्ट. वो इसी चौसा रीजन से बिलोंग करता है. सो लेट्स सी बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ चौसा 26 जून 1539 को हुआ था बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं. आपको पता होगा हुमायूं बिलोंग टू मुगल एम्पायर बट शेर शाह और हुमायूं के बीच में देर वॉज अ फर्स्ट बैटल जो इन दोनों के बीच में हुई थी दैट इज़ बैटल ऑफ चौसा. एज अ रिजल्ट शेर शाह सूरी और शेर शाह वॉन दिस बैटल. एंड एज वी ऑल नो कि जो शेर शाह सूरी जी थे इनकी जो रूलिंग रीजन था वॉज मिथिला रीजन एंड राइट नाउ मिथिला रीजन जो आपके बंगाल टू बक्सर के अराउंड पड़ता है वहाँ से इन्होंने अपना एम्पायर आफ्टर विनिंग बैटल ऑफ चौसा ही शिफ्टेड टूवर्ड्स वेस्टवर्ड पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर दिस. एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट इज शेर शाह सूरी वॉज द पर्सन जिसने रोड कंस्ट्रक्ट की थी. ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड कनेक्टिविटी. यू मस्ट बी फेमिलियर कि कटक से अटक हम हमेशा ये लाइन कहते हैं कि फ्रॉम कटक टू अटक देयर वॉज अ रीजन ऑफ इंडिया. तो कटक किस जगह पर है. कटक इज प्रेजेंट इन उड़ीसा एंड अटक दैट इज प्रेजेंटली इट इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान. तो उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट किया था फ्रॉम कटक टू अटक. लेटर ऑन जब गवर्नर जनरल्स आए गवर्नर जनरल्स मीन्स जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस रोड का नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था. ग्रैंड ट्रंक रोड. नाउ प्लीज आई वॉन्ट एवरी वन टू कमेंट कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस गवर्नर जनरल ब्रिटिश के जिन्होंने इनका नाम GT रोड रखा था. प्लीज एवरी वन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट. चलिए हम अपने नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं. आर सेकेंड बैटल बैटल ऑफ कन्नौज. अगैन इट वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं. अब इसका इट टुक प्लेस इफ यू कैन ऑब्जर्व नेक्स्ट ईयर ये बैटल हुई थी इन 1540 एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ था. शेर शाह सूरी एमर्ज्ड एज विक्टोरियस इन दिस वॉर एंड ओनली आफ्टर दिस वॉर जो मुगल रूलर थे दैट इज़ हुमायूं हैड टू लीव इंडिया एंड ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया. एंड ना नेक्स्ट थिंग ये हुई कहाँ पे थी. कन्नौज. कन्नौज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज़ प्रेजेंट इन UP एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ प्लेस बिकॉज यू मस्ट बी फेमिलियर विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल दैट इज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. आपको पता होगा बिटवीन 7th to 10th century CE एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरे 300 साल एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल चली थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कन्नौज विच इज़ प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश. आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किस किस के बीच में हुई थी. चलिए लेट्स सी सम मोर फैक्ट्स अबाउट शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट किला बनवाया था जिसका नाम था पुराना किला. शेर शाह सूरी जी थे इनकी डेथ हुई थी जस्ट आफ्टर 5 ईयर्स जब इन्होंने बैटल ऑफ कन्नौज फाइट किया था दैट इज़ 1545 जब ये ट्राई कर रहे थे कि इन्हें कलिंजर फोर्ट मिल जाए. कलिंजर फोर्ट इनके पास आ जाए. इन दैट फोर्ट बाय मिस्टेक जो तोप थी उसका जो गन पाउडर था इट गॉट ब्लास्टेड एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट बैटल
दैट इज़ द थर्ड बैटल, बैटल ऑफ सिरहिंद. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुई कब थी? 22 जून 1555 इट वॉज फॉट इन फतेहगढ़ पंजाब. सिरहिंद जो लोकेशन है ये आपके पंजाब में प्रेजेंट है. एंड इट वॉज फॉट बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेष एंड शाह सूरी. अब यहाँ पे एज रिटन शाह सूरी, जिनका पूरा नाम था, आई राइट जस्ट हियर, सिकंदर शाह सूरी. प्लीज डू नॉट कन्फ्यूज इट विद शेर शाह सूरी. इट अगेन आई रिपीट दैट इट वॉज अ बैटल बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी. अब वॉट हैपेंड, जब तक शेर शाह सूरी जी जिंदा थे, हुमायूं नेवर रिटर्न्ड टू इंडिया. ओनली आफ्टर हिज डेथ ही रिटर्न्ड इंडिया. ही फॉट अगेन विद द सेवरल सेवरल बैटल्स जस्ट टू गेन हिज पावर अगेन. एंड इन वन ऑफ द बैटल जो आपके सिकंदर शाह सूरी के साथ हुई थी, जिसके वजह से हुमायूं टर्न्ड विक्टोरियस, एंड उसके बाद ही अगेन द रेस्टोरेशन ऑफ मुगल एम्पायर टुक प्लेस. प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिएगा. नेक्स्ट थिंग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट बैटल. फर्स्ट दिस वॉज आर थर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ बैटल, दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टुक प्लेस इन पानीपत रीजन हरियाणा ऑन 5 नवंबर 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू. अकबर और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, अकबर वॉन दिस बैटल. एंड ओनली आफ्टर दिस बैटल जो अकबर थे एट दिस टाइम, जब ये बैटल हुई थी, अकबर वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज. एंड इनके बिहाफ में देयर वॉज अ पर्सन, आप सबको उनका नाम पता होगा, बैरम खान. बैरम खान फॉट दिस बैटल ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर. बट एज सुन एज अकबर, इसके बाद जब उनकी एज अराउंड 17-18 ईयर्स की हो गई, ही थॉट कि अब मुझे ये सारा का सारा जो सत्ता है मुझे अपने हाथ में लेना है. देयरफॉर ही आस्क्ड बैरम खान टू लीव इंडिया एंड ही शुड गो टू विजिट हज. आप सबको पता होगा हज पिलग्रिमेज एक बहुत ही फेमस पिलग्रिम साइट है ऑफ द मुस्लिम्स. इन द कमेंट सेक्शन आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी. चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बैटल, दैट इज बैटल ऑफ तालीकोटा. जो सेकेंड बैटल है, बैटल ऑफ तालीकोटा, दिस इज आर फिफ्थ बैटल. अब इस बैटल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी. राक्षस तंगड़ी, सॉरी थोड़ी स्पेस की कमी है, दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग लाइक दिस. अब ये बैटल किस किस के बीच में हुई? सी इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया रफली, नॉट एग्जैक्टली, इस जगह पे रफली देयर वाज अ रीजन जहाँ पर विजयनगर एम्पायर प्रेजेंट था. एंड जस्ट इसके ऊपर अराउंड दिस रीजन, इफ आई से विंध्यन रेंज से लेकर आपके कृष्णा के रीजन के बीच में, देयर वाज 5 किंगडम्स जिन्हें हम कहते हैं डेक्कन सल्तनत, जिसे वी कॉल इट एज डेक्कन सल्तनत. और ये डेक्कन सल्तनत इज अ ग्रुप ऑफ 5 different kingdoms जिन्होंने जो एक्चुअली आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बट ओनली आफ्टर दैट दे डिसाइडेड कि हमें विजयनगर एम्पायर पे अटैक करना है, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड अटैक ऑन देम. आफ्टर विच दीज 5 kingdom, दैट इज डेक्कन सल्तनत, वॉन दिस वॉर एज यू कैन सी. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हुई कहाँ पे थी? तालीकोटा और तालीकोट, विच इज़ प्रेजेंटली प्रेजेंट इन कर्नाटका रीजन. एंड इट टुक प्लेस इन 23 जनवरी 1565. आपको ये डेट याद रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट. एंड देन लेट्स सी कि जो डेक्कन सल्तनत है, इट इज़ अ इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन और द कलेक्शन ऑफ 5 kingdoms, एज आई सेड. तो ये 5 kingdoms कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज आर गोलकोंडा, सेकेंड इज बीजापुर, और आपको ये सबके नाम पता होने चाहिए. नेक्स्ट वी हैव बिदार, फोर्थ वी हैव अहमदनगर, एंड फाइनली वी हैव जो हम सब ने इसका नाम सुना होगा, बिरार. ये हमारे मध्य प्रदेश से भी के डायरेक्टली इसके कॉन्फ्रेंस में आता है, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बिरार ऑल्सो. तो दिस वॉज द 5 kingdoms, लेट्स रिवाइज अगेन. गोलकोंडा, बिरार, बीजापुर,
बिदार एंड अहमदनगर, इन पांचों ने डिसाइड किया दैट दे विल फाइट अगेंस्ट द जस्ट नियर बाय किंगडम दैट इज़ विजयनगर एम्पायर. एंड ओनली आफ्टर दिस बैटल जो विजयनगर एम्पायर था उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बैटल दैट इज बैटल ऑफ हल्दीघाटी. बैटल ऑफ हल्दीघाटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टुक प्लेस इन हल्दीघाटी रीजन विच इज़ प्रेजेंट राइट नाउ प्रेजेंट इन राजस्थान. और एज अ रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस किस के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप ऑफ मेवार एंड अकबर के बीच में, और अकबर के बिहाफ में मान सिंह ने इसे फाइट किया था. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, मुगल्स इन दिस एमर्ज्ड विक्टोरियस. एंड दिस वॉर टुक प्लेस ऑन 18th ऑफ जून 1576. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल जिसके बारे में आपको जानना था. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मिस्ड टू एक्सप्लेन यू, सो लेट्स स्टडी वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अकबर. सी, देर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल जो 1573 में हुई थी, जिसमें अकबर का ये मानना था, बिकॉज अकबर एज यू ऑल नो जो अकबर थे उनकी सीट वॉज इन दिल्ली. ही वॉन्टेड जो गुजरात है, गुजरात इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोर्ट एंड कोस्टल रीजन है, सो ही वॉन्टेड कि गुजरात उनके अंडर आ जाए, जिसके वजह से ही लॉन्च्ड अ वॉर इन 1573 जिसे हम गुजरात कैंपेन भी कहते हैं. एंड एज अ रिजल्ट अकबर वॉन दैट वॉर. एंड जस्ट टू कमोमरेट द विक्ट्री और हिज विक्ट्री इन ओवर गुजरात, ही बिल्ट बुलंद दरवाज़ा दरवाज़ा और जिसे एंड ये जो बुलंद दरवाज़ा है, इट वॉज़ कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी. एंड फतेहपुर सीकरी इज़ प्रेजेंट इन आगरा. एंड जो अकबर थे उन्होंने बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे बनवाया था, इट इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ जामा मस्जिद. आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका जो मेन एंट्रेंस डोर है उसे बनवाया गया था बाद में, जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा, जिसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे हाईएस्ट डोरवे ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं. हाईएस्ट डोरवे ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है ये. एंड इसे बनवाया गया था देयर अ लॉट ऑफ हॉचपॉच सो लेट्स इरेज सम ऑफ द फैक्ट्स हियर, पर प्लीज़ आप इसे डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिएगा. जो बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था, द स्टोन यूज्ड इन दिस टाइम इज़ रेड एंड बफ सैंड स्टोन. देखिए जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेड सैंड स्टोन. तो आपको हर जगह आपने देखा होगा लाल बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्चर में यूज़ होता हुआ दिखेगा. सॉरी, वेन वी विल स्टडी अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स. सो विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग विद दी आर सेकेंड पार्ट, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो एंड आई नीड सम एरिया, सो आई विल जस्ट गो बैक टू दिस स्लाइड, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. इसके बाद क्या हुआ, जब अकबर गॉट स्टैब्लिश्ड देन वॉट ही डिड, अब बहुत टाइम तक अकबर एंड मुगल एम्पायर का ही रूल चलता रहा. आफ्टर अकबर यू मस्ट बी फेमिलियर, देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड एज जहांगीर. जहांगीर जब राजा थे उनके टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स आए, और जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स में दो मेन ब्रिटिशर्स आए थे, फर्स्ट वॉज विलियम हॉकिंस, सेकेंड वॉज थॉमस रो. एंड थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन मांगी थी टू ओपन अ फैक्ट्री, एंड जहांगीर गेव परमिशन टू ओपन द फैक्ट्री इन सूरत. ये आपको पता होना चाहिए. एंड आफ्टर दिस वी विल सी इन आर नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट वीडियो दैट अब यहाँ पे क्या होगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अब हमारे पास जितनी भी बैटल्स होंगी, वन पार्टी मस्ट बी द यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स.